नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बज। और आज के वीडियो में हम रिव्यू करेंगे एसएससी सीजीएल के कंप्लीट गाइड और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक के, दोनों आपको इस बुक के अंदर देखने को मिलेगा दोस्तों। और ये बुक दोस्तों प्रभात एग्जाम की तरफ से, मतलब प्रभात पब्लिकेशन की तरफ से बहुत ही ज़्यादा शानदार बुक है। इस बुक में टीयर वन और टीयर टू के कंप्लीट सिलेबस को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ कवर किया गया। और ये बुक दोस्तों एसएससी सीजीएल के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित होने वाला है। ये बुक आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएगा। ये दोस्तों देख सकते हैं पहला बुक हमारे पास हिंदी मीडियम का, जिसका मैंने रिव्यू कर दिया है। और ये दूसरा बुक है दोस्तों। इस बुक के अंदर आपको क्या क्या कवर किया गया मैं बता दूँ। प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर सॉल्व किए कवर किया गया, उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज को कवर किया गया, मैथमेटिक्स को कवर किया गया, उसके बाद रीजनिंग को कवर किया गया, कंप्यूटर नॉलेज को कवर किया गया है और जीए को कवर किया गया। ठीक है, जो सिलेबस है और जो एग्जाम पैटर्न है उसको फॉलो किया गया है। ठीक है, इस बुक के अंदर। इस बुक के एमआरपी के बारे में दोस्तों बात करें तो इस बुक का एमआरपी 465 रुपये, जिसपे आपको ऑनलाइन ऑफलाइन डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हैं। हालांकि मैंने आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। अगर केवल आपको एसएससी सीजीएल का कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का टीयर वन टीयर टू का इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का बुक चाहिए, सॉल्व पेपर चाहिए, तो ये बुक ले सकते हैं। इसमें 2010 से लेकर 2022 तक के सॉल्व पेपर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, चलिए इस बुक में अगर हम नंबर ऑफ पेजेस के बारे में देखें तो नंबर ऑफ पेज आपको क्लियर नहीं पता चलेगा, वो मैं अंत में बता दूंगा आपको कि नंबर ऑफ पेज कितने हैं। इस बुक के कंटेंट को देखते हैं कि कैसा कंटेंट आपको इस बुक के अंदर देखने को मिलने वाला है। ठीक है ना, तो सबसे पहले यहाँ पहले पेज में बताया गया कि एसएससी सीजीएल टीयर वन और टीयर टू को इस बुक के अंदर कवर किया गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ बताया गया कि प्रभात एग्जाम की तरफ से ये बुक लॉन्च किया गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लास्ट में एमआरपी बताया गया है 465 रुपये, जिसपे आपको ऑनलाइन ऑफलाइन डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब दोस्तों आप देखिएगा यहाँ पे दोस्तों देखिएगा एसएससी सीजीएल सॉल्व पेपर 1 दिसंबर 2022, 18 अप्रैल 2022, 19 अप्रैल 2022 और 20 अप्रैल 2022 के पेपर आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज सबसे पहले, जिसमें टेंस, कॉमन एरर, डिटरमिनेंस, आर्टिकल, उसके बाद स्पेलिंग टेस्ट, उसके बाद दोस्तों प्रीपोजिशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट नरेशन, आइटम्स, फ्रेजेस, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, कॉम्प्रीहेंशन। मैथमेटिकल और मैथमेटिक्स में आपको नंबर सिस्टम, फ्रैक्शन, एलसीएम, एससीएफ है, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड डिस्टेंस है, और सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंसुरेशन, उसके बाद ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, डेटा इंटरप्रिटेशन। उसके बाद रीजनिंग में आपको एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, सीरीज टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग, लॉजिकल सीक्वेंस, सीक्वेंस ऑफ वर्ड, डिक्शनरी ऑर्डर, डायरेक्शन टेस्ट, ब्लड रिलेशन, रैंकिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, मिसिंग नंबर, मैट्रिक्स, वेन डायग्राम, सिलोलिज्म, स्टेटमेंट कंक्लूजन, बेस्ट रीजन रीजन टेस्ट, उसके बाद काउंटिंग फिगर, फॉर्मेशन फिगर, मिरर इमेज, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, हिडन एम्बेडेड फिगर, क्यूब एंड डाइस। उसके बाद हिस्ट्री में आपको देखने को मिल जाएगा इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उसके बाद इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन इकोनॉमी, जनरल साइंस, उसके बाद सबसे लास्ट में कंप्यूटर नॉलेज। नंबर ऑफ पेज के बारे में बात करें तो नंबर ऑफ पेज आप देख लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर 60 पेज में है। उसके बाद जो सब्जेक्टिव नॉलेज है वो 1 से 54 टोटल आपको जो सब्जेक्टिव नॉलेज देखने को मिलेगा यहाँ पे 94, ठीक है, ये 1 से 94 देखिए ऐसे दिख रहा है, 1 से 54, 1 से 87, उसके बाद यहाँ 1 से 85। मैं फिर से बताऊँ, पहला जो टॉपिक है आपको प्रीवियस ईयर पेपर 1 से 60 पेज में है, इंग्लिश लैंग्वेज 54 पेज में है, मैथमेटिक्स 87 पेज में है, और रीजनिंग आपको 85 पेज में है, और 85 पेज, और जीए आप देख सकते हैं 94 पेज में है, और सबसे लास्ट में कंप्यूटर 11 पेज में है। तो लगभग 300 के आसपास पेज होगा, आप काउंट कर ऐड कर लीजिएगा इनको। उसके बाद दोस्तों ये पहले सबसे पहले आप देखेंगे दोस्तों तो सॉल्व पेपर 1 दिसंबर 2022 आपको देखने को मिलेगा, जिस तरह से एग्जाम में दिया जाता है, जैसे सेक्शन वाइज दिया जाता है ना, तो सबसे पहले रीजनिंग वाले सेक्शन को तैयार किया गया है, रीजनिंग वाले सेक्शन को इस बुक के अंदर दिया गया है सबसे पहले। उसके बाद पार्ट टू में आपको जीए देखने को मिलेगा, जीए काफ़ी अच्छे तरीके से इस बुक के अंदर दिया गया है। उसके बाद मैथ्स आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, मैथ्स के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। टोटल आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम के, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम है टीयर वन में 100 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे आंसर की आपको देखने को मिलेगा हर एक क्वेश्चन का। उसके बाद आपको हर एक क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन भी इस बुक के अंदर दिया हुआ है, ठीक है, बहुत ही शानदार तरीके से आपको डिटेल सॉल्यूशन भी देखने को मिलने वाला है दोस्तों। काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने कवर किया है, पार्ट वाइज कवर किया गया है,
और डिटेल में आंसर दिया हुआ है, ठीक है। तो आप इस बुक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कवर कर सकते हैं, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने के बाद आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आगे हम चलते हैं तो मतलब कंप्लीट गाइड मिल जाएगा सब्जेक्ट वाइज। सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज का यहाँ देखने को मिल जाएगा, तो इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे पहले टेंस को समझाया गया है। जो थ्योरी है दोस्तों काफ़ी अच्छे तरीके से टेंस को समझाया गया है, एग्जांपल के थ्रू समझाया गया है, और क्वेश्चन आंसर भी आपको लास्ट में देखने को मिलेगा। प्रैक्टिस के लिए देखिए, एक्सरसाइज के लिए क्वेश्चन आंसर है ना, तो हर एक टॉपिक को समझा के उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन, उसके बाद उसका आंसर की आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद कॉमन एरर हो गया, उसको भी काफ़ी अच्छे तरीके से बेहतरीन तरीके से समझाया गया है। उसके बाद आपको आंसर की और एक्सरसाइज देखने को मिलने वाला है। उसके बाद दोस्तों आपको देखने को मिलेगा डिटरमिनेंट्स एंड आर्टिकल देखने को मिलेगा, स्पेलिंग टेस्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सारे टॉपिक को इंग्लिश में काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया गया, सिंप्लीफिकेशन आपको देखने को मिलेगा, काफ़ी अच्छे तरीके से सिंप्लीफिकेशन को भी समझाया गया है, ठीक है। अब दोस्तों आगे हम देखते हैं यहाँ पे टाइम, स्पीड और डिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा, एक्सरसाइज देखने को मिलने वाला है दोस्तों, और हर एक चीज़ को, हर एक पहलू को इस बुक के अंदर ध्यान में रखा गया है, ठीक है ना। तो बुक दोस्तों काफ़ी अच्छा है और इस बुक को आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है ना। फॉर्मेशन ऑफ फिगर हो गया, सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा बहुत ही शानदार तरीके से। तो बुक दोस्तों बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है, हर एक चीज़। आप इंडियन इकोनॉमी देख सकते हैं, ठीक है। जीके वाले पोर्शन को भी देखेंगे तो एकदम अच्छे तरीके से टेबल में कवर किया गया है, जो इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके वाला फैक्ट है उसको टेबल में दिया गया है, और थ्योरी को काफ़ी अच्छे तरीके से दिया हुआ है। बुक का प्रिंटिंग क्वालिटी काफ़ी अच्छा है और पेपर क्वालिटी भी बुक का काफ़ी अच्छा है। कंटेंट आपको दोस्तों काफ़ी अच्छा इस बुक के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। और जो मैथ्स में थ्योरी आपको देखने को मिलेगा वो भी बहुत बेहतरीन तरीके से विथ एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा एक्सरसाइज के साथ साथ, ठीक है। तो बुक दोस्तों आप परचेज कीजिए, इस बुक में कोई भी कमी नहीं है, ठीक है ना। कंप्लीट गाइड है, मतलब एक बुक से ही आप तैयार कर सकते हैं एसएससी के रीजनिंग को, मतलब एसएससी के पूरे सब्जेक्ट को आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक इस बुक में आपको कंप्यूटर नॉलेज भी आपको आखिरी में देखने को मिल जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ कंप्यूटर नॉलेज, ये देखिए, ये जो है जीए वाला सेक्शन है, और जीए के कुछ कंप्यूटर नॉलेज के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। देखिए ये तो जीए वाला सेक्शन दिख रहा है मुझे, लास्ट में होगा कंप्यूटर नॉलेज, ठीक है ना। तो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ देखिए कंप्यूटर नॉलेज, सबसे पहले थ्योरी दिया गया है, कंप्यूटर के बारे में बताया गया, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए कंप्यूटर, सीपीयू क्या होता है, विंडोज़ ऑनली ऐप क्या होता है, ईमेल ऑपरेशन क्या होता है, सारा कुछ बताया गया जो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। और उसके बाद अंतिम में आपको कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे दिया गया है, ठीक है। आंसर की भी आपको देखने को मिलेगा। बुक दोस्तों काफ़ी अच्छा है, इस बुक को आप परचेज कीजिए, बुक में कोई भी कमी नहीं है, ठीक है। कंप्लीट गाइड है ये, और भी एसएससी का एग्जाम अगर आप प्रिपेयर करते हैं तो एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए इनका बुक आता है, इसे आप ले सकते हैं। उसके बाद एसएससी कांस्टेबल जीडी 15 प्रैक्टिस सेट आता है। उसके बाद एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी, एसएससी सीएसएसएल 10+2 टीयर 1 एग्जाम, ठीक है। अब दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे तो और भी बुक के बारे में बात करें तो यहाँ पे देखिएगा एसएससी एसआई, उसके बाद एसएससी एमटीएस का भी गाइड आता है, उसके बाद प्रैक्टिस सेट भी आपको मिल जाएगा, और ये एसएससी 10+2 का भी बुक मिल जाएगा प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर के साथ। तो इनके एसएससी के सारे बुक आते हैं, आप इनको परचेज कर सकते हैं, बुक काफ़ी अच्छा है दोस्तों। अगर आपको इस बुक को परचेज करना होगा तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। वीडियो दोस्तों आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का काफ़ी अच्छा रहे, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, थैंक यू।